हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी विल रीडिंग द लेशन 3 ऑफ क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर बुक. द लेशन इज जेंडर. आज हम क्लास 4 के इंग्लिश ग्रामर बुक से लेशन 3 पढ़ेंगे, जो मतलब उसमें दिया हुआ है जेंडर के बारे में. जैसा कि आप सबको पता है कि जूनियर्स में जेंडर के दो टाइप्स हैं और थोड़ा अपर क्लास में जेंडर्स के 4 टाइप्स होते हैं. तो आप लोगों को इस लेशन में जेंडर के चारों टाइप्स के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट टाइप है मैस्कुलिन, सेकेंड है फेमिनाइन, थर्ड है कॉमन जेंडर और फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन से. एज यू नो, वी कैन classify nouns that refer to people or animal as masculine or feminine. जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो nouns होते हैं उन्हें उनमें जो peoples के name होते हैं, जो animals होते हैं उन्हें masculine में male मतलब male में और feminine मतलब female में classify करते हैं. जैसे example में दिया boy, lion, hero. We call these masculine nouns. They belong to masculine gender. इन सब को हम masculine noun बोलते हैं. जैसे boy हो गया, lion हो गया, ram हो गया, ये सारे masculine nouns होते हैं. इन सब को हम masculine noun बोलते हैं और ये जो है masculine gender से belong करते हैं. और girl, lioness, heroine, we call them feminine nouns that belong to द फेमिनाइन जेंडर. और जो ये गर्ल हो गया मतलब लड़की, लॉयनेस मतलब शेरनी, ये सारे जो इन सबको हम बोलते हैं फेमिनाइन नाउंस. और ये सब जो होते हैं फेमिनाइन जेंडर से बिलोंग करते हैं. जैसे इसका एक्सरसाइज देखेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में है मैच दिज जेंडर पेयर्स. नीचे जो पेयर मतलब कि जो ब्लॉक दिए गए हैं इसमें मैस्कुलिन और फेमिनाइन अलग अलग, ब्लॉक ए में मैस्कुलिन है और ब्लॉक बी में फेमिनाइन है. तो इसमें जो जेंडर के जो पेयर्स है उन्हें मैस्कुलिन से फेमिनाइन में मैच करना है. जैसे फर्स्ट है मैन, मैस्कुलिन में फर्स्ट है मैन, सेकेंड में होगा वुमेन, उसको मैच कर देंगे. तो वैसे ही सारा कर लीजिएगा. नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो इसमें एक्सरसाइज मतलब कि इसका एक्सरसाइज है उसका सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है. राइट द मस्कुलिन जेंडर फॉर दिस नाउंस. जो नीचे नाउंस है उसका मस्कुलिन जेंडर लिखना है. जैसे फर्स्ट है ग्रैंड मदर तो उसका मस्कुलिन हो जाएगा ग्रैंड फादर. वैसे ही सबका मस्कुलिन जेंडर लिखना है. अब आगे आते हैं कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर में. सबसे पहले पढ़ते हैं कॉमन जेंडर. देर आर सर्टेन नाउंस दैट वी कैन यूज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जो हम जिनका यूज़ हम मेल और फीमेल दोनों के लिए करते हैं. दे बिलोंग टू कॉमन जेंडर. और वो जो नाउंस होते हैं वो कॉमन जेंडर से बिलोंग करते हैं. जैसे एग्जांपल में है पेरेंट, पेरेंट में मदर फादर दोनों आ जाएंगे. नेवर, चाइल्ड, तो चाइल्ड में गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड दोनों आ जाएगा. स्टूडेंट में भी गर्ल बॉयज दोनों आ जाएंगे. वैसे ही ये सारी चीज़ें जो हो गई वो जेंडर कॉमन जेंडर से बिलोंग करेंगी. अब देखते हैं न्यूट्रल जेंडर. नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर थिंग्स आर सेड टू बिलोंग टू द न्यूट्रल जेंडर. दे आर नाइदर मेल नॉर फीमेल. और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो मतलब ऐसी वस्तुएं जो सांस नहीं ले सकती हैं, जो जीवित नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें न्यूट्रल जेंडर से बिलोंग करती हैं. दे आर नाइदर नॉर मेल नॉर फीमेल. ये ना तो मेल होती हैं और ना फीमेल होती हैं, मतलब मेल फीमेल से बिलोंग नहीं करती हैं ये. और ये सारी जो चीज़ें होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारी चीज़ें न्यूट्रल जेंडर से बिलोंग कर. जैसे एग्जांपल में हो जाएगा बुक, रिवर, टेबल, सिटी, डेस्क, ट्री और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. तो ये सारे जो एग्जांपल्स हो गए वो न्यूट्रल जेंडर के एग्जांपल्स हैं. अब आते हैं प्रोनाउंस यूसेज.
कुछ मतलब कि प्रोनाउंस का यूज भी बताएगा, मैस्कुलिन फेमिनाइन में प्रोनाउंस, कौन सा प्रोनाउंस कहाँ पे यूज़ हो सकता है, कॉमन न्यूटर में कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, उसके बारे में भी बताया है इसमें। जैसे फर्स्ट देखेंगे, द प्रोनाउंस ही एंड हिम आर मैस्कुलिन वाइल सी एंड हर आर फेमिनिन। तो कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो प्रोनाउंस भी मैस्कुलिन और फेमिनाइन होते हैं, जैसे ही और हिम, ये जो दो प्रोनाउंस है वो मैस्कुलिन होते हैं, इनको हम सिर्फ मैस्कुलिन नाउंस के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर मस्कुलिन नाउन के प्लेस पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं ही और हिम का। जबकि सी और हर फेमिनाइन होता है, इसका यूज़ हम फेमिनिन मतलब फेमिनाइन नाउन के साथ कर सकते हैं, या फेमिनाइन नाउन के स्थान पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सी और हर का। अब आगे आते हैं, द प्रोनाउन आई यू वी मी अस कैन आइदर बी मैस्कुलिन और फेमिनाइन। और जैसे और हो गया कुछ प्रोनाउंस जो आई यू वी मी अस, ये सारे जो प्रोनाउंस हैं फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं वो सारे मस्कुलिन भी होते हैं और फेमिनाइन के साथ भी यूज़ हो सकते हैं, मस्कुलिन नाउन और फेमिनाइन दोनों नाउन के साथ यूज हो सकते हैं, या फिर उन दोनों की जगह पे यूज हो सकते हैं। अब आगे आते हैं, द प्रोनाउंस दे एंड देम कैन बी एनी जेंडर, मैस्कुलिन फेमिनाइन और न्यूटर। और जो दे और देम प्रोनाउन है वो किसी भी जेंडर के साथ यूज हो सकता है, या तो मैस्कुलिन जेंडर के साथ, या फेमिनाइन के साथ, और नहीं और या न्यूटर के साथ। अब आगे है, द प्रोनाउन इट इज ऑलवेज द न्यूटर जेंडर बिकॉज इट मोस्टली रिफर्स टू थिंग्स और समटाइम्स एनिमल्स। और जो प्रोनाउन इट होता है, इट जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा ही न्यूटर जेंडर, मतलब कि उसका यूज अधिकतर न्यूटर जेंडर के ही फॉर्म में किया जाता है, क्योंकि ये मोस्टली मतलब कि ये अधिकतर ये किसी भी वस्तु को या फिर समटाइम्स किसी एनिमल्स को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो नोट में दिया हुआ है, व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल्स वी कैन आइदर यूज द न्यूटर जेंडर और द मस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर डिपेंडिंग ऑन वेदर द एनिमल इज मेल और फीमेल। व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल, जब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, वी कैन आइदर यूज मतलब हम नाइदर न्यूटर जेंडर, मस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर दो, मतलब कि इन तीनों जेंडर में से किसी भी जेंडर का यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मतलब, और ये डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, अगर वो मतलब कि इसका यूज़ न्यूटर जेंडर, मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर, इसका डिपेंडिंग किस चीज़ पे होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, अगर एनिमल मेल और फीमेल है इस चीज़ पे इसका यूज़ डिपेंड करेगा, कि अगर एनिमल मान लीजिए एनिमल मेल है तो उसमें मैस्कुलिन ही यूज़ करेंगे, और फीमेल है तो उसमें फेमिनाइन यूज़ करेंगे। जैसे नीचे जो एग्जाम्पल दिए, लुक एट दैट हॉर्स इट इज़ रनिंग वेरी फास्ट, तो यहाँ पे एनिमल का नेम आया है हॉर्स, और फिर इसके जगह पे मतलब हॉर्स की जगह पे जो हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है इट, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट का यूज़ हमेशा हम न्यूट्रल जेंडर के लिए करते हैं, वो क्योंकि जो इट है वो अधिकतर हमेशा ही मतलब किसी भी सेंटेंस में वो अधिकतर ही थिंग्स को, किसी भी थिंग्स को डिनोट करता है, या फिर कभी कभी किसी एनिमल्स को डिनोट करता है। तो यहाँ पे एनिमल की जगह पे प्रोनाउन का हमने यूज़ किया, इट को एज प्रोनाउन यूज़ किया है, इट इज़ रनिंग वेरी फास्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब और एक और एग्जांपल है, वो भी देखते हैं, आई हैव अ पेट कैट, मेरे पास एक पालतू जानवर है जो है कैट है, मेरे पास एक पालतू बिल्ली है, सी लव्स टू क्लाइम ट्री। अब यहाँ पे कैट की जगह पे
फेमिनाइन मतलब कि प्रोनाउन का यूज हुआ है जो फेमिनाइन है, सी का यूज किया गया है। तो वैसे ही मतलब इसमें बताया है, इस नोट में बताया है कि हम एनिमल्स के साथ हम किस जेंडर का यूज़ करेंगे, या न्यूटर या फेमिनाइन या फिर मस्कुलिन, वो उसके मतलब उस एनिमल के ऊपर डिपेंड है, या तो एनिमल मेल है और फीमेल जो है उसके ऊपर डिपेंड है। अब आगे देखते हैं चेंजिंग जेंडर्स। तो चेंजिंग जेंडर्स में मतलब जेंडर्स को कैसे चेंज करेंगे उसका एक दो रूल्स दिए गए हैं, तो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं, वी एड ई डबल एस टू सम मैस्कुलिन नाउन्स टू फॉर्म द फेमिनाइन जेंडर। हम कुछ मैस्कुलिन नाउन्स में ई डबल एस जोड़ करके उसका फेमिनाइन बनाते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल में है होस्ट, तो होस्ट में ई डबल एस जोड़ देंगे तो होस्टेस हो जाएगा। लॉयन, लॉयन में ई डबल एस जोड़ देंगे तो लॉयनेस हो जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड सेकेंड, तो समटाइम्स वाइल एडिंग ई डबल एस टू फॉर्म फेमिनाइन जेंडर वी चेंज द स्पेलिंग स्लाइटली। तो आगे जो बता रहा है उसमें बोल रहा है कि कभी कभी जब हम मैस्कुलिन को फेमिनाइन में चेंज करते हैं उसमें ई डबल एस लगा करके, तो जो उसका स्पेलिंग है उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती है। जैसे इस यहाँ पे दिया हुआ है गॉड, तो गॉड में जब ई डबल एस लगाएंगे तो गॉडेज होगा, और गॉडेज का स्पेलिंग होता है जी ओ डबल डी ई एस, तो इसके स्पेलिंग्स में चेंजेस हुआ, डबल डी हो गया। तो यही बोल रहा है कि कभी कभी जब हम ई डबल एस जोड़ के फेमिनाइन बनाते हैं तो उसकी जो जो मतलब जो वो नाउन है उसके स्पेलिंग्स में थोड़ी सी चेंजेज आ जाती हैं। जैसे डक है, तो डक का जो फेमिनाइन बनाएंगे वो डचेज हो जाता है, जैसे डचेज हो जाता है, स्पेलिंग डी यू सी एच ई डबल एस डचेज, इसकी भी स्पेलिंग चेंज हो गई। अब जो नोट दिया है उससे भी देखते हैं, फेमिनाइन फॉर्म्स डिनोटिंग ऑफ प्रोफेशन सच एज ऑथरेज पोएटेज एक्ट्रेस एंड वेट्रेस आर नॉट यूज्ड एनी लॉन्गर। Instead, we use author, actor, poet and waiter to include both genders. अच्छा, नोट में बता रहा है कि फेमिनाइन फॉर्म डिनोटिंग अ प्रोफेशन, अगर कोई प्रोफेशन मतलब कि किसी भी प्रोफेशन को प्रोफेशन के फेमिनाइन फॉर्म को अगर हम डिनोट करते हैं, मतलब कुछ बड़े पद पे जैसे कि ऑथर हो गया, तो ऑथर का फेमिनाइन चेंज करेंगे तो ऑथरेस हो जाएगा। तो इसलिए ये बोल रहा है कि जो फेमिनाइन फॉर्म होता है प्रोफेशनल वर्क का, जो फेमिनाइन फॉर्म होता है उसका हम मतलब कि वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मतलब जो उसकी उसको जब हम प्रयोग करते हैं वो ज़्यादा नहीं करते हैं, बस थोड़ा बहुत कभी कभी कर लेते हैं। उसकी जगह पे हम उसके जो उसका मैस्कुलिन फॉर्म होता है उसी का यूज़ करते हैं। ऑथरेस की जगह पे हम ऑथर का यूज़ करते हैं, पोएटेस की जगह पे हम पोएट का यूज़ करते हैं, एक्ट्रेस के जगह पे एक्टर का यूज़ करते हैं, और वेट्रेस के जगह पे वेटर का यूज़ करते हैं। टू इंक्लूड बोथ जेंडर्स, दोनों जेंडर्स में, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, दोनों जेंडर्स में इसी का यूज़ करते हैं हम। अब आगे देखते हैं इसकी एक्सरसाइज है, तो उसको भी बनाते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ द पॉजिटिव जेंडर ऑफ हाइलाइटेड नाउंस। जो नीचे सेंटेंस दिया गया है उसमें कुछ नाउंस को हाईलाइट किया गया है, तो जो नाउंस हाईलाइटेड है उसका जो अपोजिट जेंडर होगा उसका अपोजिट जेंडर ब्लैंक्स में भर के और सेंटेंस को कंप्लीट करना। जैसे फर्स्ट बता देते हैं, देयर आर मोर गर्ल्स देन डैश इन माई क्लास। तो यहाँ पे गर्ल्स को हाईलाइट किया गया, तो गर्ल्स का अपोजिट जेंडर क्या होगा, बॉयज, तो ब्लैंक्स में बॉयज हो जाएगा। देयर आर मोर गर्ल्स दैन बॉयज इन माई क्लास। ओके, आ गया आप लोगों को समझ में। ऐसे ही आगे
जो भी है वो आप लोग कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो दिया हुआ है चेंज द जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड नाउन्स एंड रीराइट दिस सेंटेंसेज। जो हाईलाइटेड नाउन्स दिए गए हैं, जो नीचे सेंटेंस दिया गया है उसमें कुछ नाउन्स को हाईलाइट किया गया है, उसकी उसमें क्या करना है कि जो जेंडर जो है हाईलाइटेड नाउन है उसका जेंडर चेंज करना है। अगर मैस्कुलिन है तो फेमिनाइन में करना है, और अगर फेमिनाइन है तो उसे मैस्कुलिन में करना है, और फिर सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। जैसे फर्स्ट में है द मेन को हाईलाइट किया गया, वर्कड इन द फील्ड्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, तो यहाँ पे मेन की जगह पे वुमेन हो जाएगा, द वुमेन वर्कड इन द फील्ड्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, तो हो गया। वैसे ही अगर कोई भी मैस्कुलिन जेंडर है तो उसे फेमिनाइन में चेंज करना, अगर फेमिनाइन है तो उसे मैस्कुलिन में चेंज करके और सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। ओके, अब आगे देखते हैं, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ द करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स। नीचे जो सेंटेंसेस दिया गया है उसे बॉक्स में जो प्रोनाउंस है उसकी हेल्प से सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट में है द गर्ल ran to catch the bus dash was late for school, तो ब्रैकेट में से इस यहाँ पे ब्लैंक्स में सी होगा क्योंकि द गर्ल दिया हुआ है और गर्ल गर्ल के लिए सी का यूज़ होता है, तो ब्लैंक्स में हम लोग सी भर देंगे। तो द गर्ल ran to catch the bus सी was late for school। ओके, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द जेंडर फॉर ऑफ द हाईलाइटेड नाउन्स प्रोनाउंस इन दिस स्टोरी, राइट एम फॉर मैस्कुलिन, एम फॉर फेमिनाइन, सी फॉर कॉमन एंड एन फॉर न्यूट्रल। इसमें बोल रहा है कि जो नीचे जो स्टोरी है उसमें जो हाइलाइटेड नाउन्स और प्रोनाउंस हैं उसके जेंडर्स को आइडेंटिफाई करना है, मतलब जो हाइलाइटेड नाउन प्रोनाउन है उसे बताना है कि कौन सा जो नाउन है वो कौन सा जेंडर है, मतलब नाउन्स के जेंडर को आइडेंटिफाई करना है, नाउन और प्रोनाउंस के जेंडर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस में A man and his son went to the town to buy a bicycle. तो इसमें तो first sentence में first highlighted noun है man. Man जो है masculine हो जाएगा, तो उसे M से denote करेंगे, उसको underline करके उसके ऊपर M लिख देंगे। ठीक है, और इसी sentence में दूसरा है bicycle. बिसाइकल जो है वो न्यूट्रल होता है, मतलब नॉन लिविंग होता है, तो उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर एन लिख देंगे, जिससे न्यूट्रल मतलब कि जिससे आइडेंटिफाई होगा कि वो न्यूट्रल जेंडर है, तो उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर एन लिख देंगे। वैसे ही नीचे का भी जो भी है सारा उसको आप लोग कर लीजिएगा, और जो यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है इसमें लिखना भी है, इसमें मतलब जो भी आप नाउंस है जिसको भी मैन है तो मैस्कुलिन है, तो यहाँ पे लिख के उसके आगे एम से डिनोट करना है, जो फेमिनाइन है उसे एफ से डिनोट करना है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे है डाई एक्सरसाइज। डाई एक्सरसाइज में दिया हुआ है फाइंड थ्री नाउन्स इच फॉर द मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर इन द फॉलोइंग ग्रिड। जो ये ग्रिड दिया हुआ है लेटर ग्रिड, इसमें से
तीन नाउन्स को चुनना है, मतलब जितने भी जेंडर के जो फोर टाइप्स होते हैं उस उनमें उन चारों टाइप्स के तीन नाउन्स को चुनना है, मतलब मस्कुलिन में तीन नाउन, फेमिनाइन में तीन नाउन, कॉमन में तीन और न्यूट्रल में तीन, चारों में तीन तीन नाउन्स को चुनना है, इस ग्रिड से ढूंढना है। पुट देम इन द करेक्ट कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल, और जो नीचे टेबल दिया हुआ है उन्हें जो करेक्ट कॉलम है, मतलब जैसे हमने मैस्कुलिन कोई मैस्कुलिन नाउन ढूंढा तो उसे हम मैस्कुलिन कॉलम में लगाएंगे लिखेंगे, और अगर फेमिनाइन ढूंढे तो फेमिनाइन में, ठीक है। द वर्ड कैन बी फाउंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन, और जो इसमें वर्ड्स है उसे हम लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचे कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, कहीं से भी मतलब उसे कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। ओके, आप लोगों का यही लेसन ख़त्म होता है, और आप आई होप आप लोगों को लेसन भी समझ में आया होगा, और जो एक्सरसाइज मैंने बताया आपको वो भी आप लोग कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।